इज ग्लोरी प्रोग्राम. नमस्कार, एक बार फिर स्त्रियां प्रभु की महिमा के लिए इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है. आई एम ग्लैड टू बी विद यू वन मोर टाइम. एक बार फिर आपसे मिलके मैं बहुत खुश हूँ. एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर लाइफ एंड इन योर होम. अपने जीवन और अपने घर में मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयरिंग विद यू व्हाट गॉड हैज लेड इन माय हार्ट. प्रभु ने मेरे हृदय में जो डाला है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ. लास्ट वीक वी टॉक्ड अबाउट ड्रीम एंड विजन्स. पिछले हफ्ते हमने सपने और दर्शन के बारे में देखा. वी हैव एस्टैब्लिश्ड इन दिस प्रोग्राम नाउ दैट वीमन यू आर कॉल्ड. इस कार्यक्रम में हमने ये स्थापित कर दिया है कि प्रभु ने स्त्रियों को बुलाया है. By looking at the scriptures all through the Bible, we have learned that God has raised up women to use them mightily. पूरे बाइबल के वचनों को देखकर हमने ये सीखा है कि प्रभु ने स्त्रियों को बुलाया है और उन्हें सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करना चाहते हैं. So now that we know that we are called, there are some things that we have to learn. अब जब हमें पता चल गया है कि हम बुलाए गए हैं, ऐसे कुछ बातें हैं जो हमें सीखना है. There are tools that we need to learn to use and also spirit of discernment and the gifts by the spirit. ऐसे बहुत सारे उपकरण है जो हमें सीखना है और समझ की आत्मा और हमें बहुत सारे ज्ञान के साथ चीजों को करना है. बिकॉज थ्रू आउट द स्क्रिप्चर्स गॉड यूज्ड मेनी इन डिफरेंट वेज एंड ही स्पोक टू देम इन डिफरेंट वेज. क्योंकि पूरे बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु ने लोगों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया है और उनसे अलग रीति से बात किया है. व्हेन ही वांटेड टू पोर्ट्रे अ वर्ड टू देम. जब प्रभु एक संदेश को उन्हें बताना चाहते हैं. He gave them visions, he gave them dreams, he visited them and angels visited them. प्रभु ने उन्हें सपने दिए, प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया और उनसे मुलाकात किया और स्वर्गदूतों को भेजा. And he gave them prophetic words. और प्रभु ने भविष्यवाणी के शब्द दिए. And he called them to prayer and fasting. और प्रभु ने उनसे उपवास करके प्रार्थना करने को कहा. So today the Lord has laid in my heart to talk to you about wisdom. आज प्रभु ने मेरे हृदय में कहा कि मैं आपको ज्ञान के बारे में बताऊं. In these last days we are going to need wisdom. इन अंतिम समय में ज्ञान बहुत जरूरी है. In book of Luke chapter 2 verse 52 it says. लूका 2:52 में लिखा गया है. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. और यीशु बुद्धि और ढील ढोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया. At a very young age, he amazed the scholars of those days. बहुत ही कम उम्र में ही यीशु मसीह ने उस समय के ज्ञानियों को अचंभित किया. At age of 12, he was in the temple and he was conversing with the scholars and the leaders. 12 साल के उम्र में यीशु मसीह उस मंदिर में खड़े होकर वहाँ के ज्ञानियों को और वहाँ के अगुओं से बात कर रहे थे. He amazed them with his wisdom. उनके बुद्धि के कारण वो लोग बहुत ही अचंभित हो गए. And he had this amazing destiny in front of him. और प्रभु की जो नियति है वो भी बहुत ही अचंभे की है. And we can see through his ministry he was full of wisdom and understanding. उनकी सेवकाई के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि वो बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए थे. He had a very big task in front of him. उनके आगे बहुत ही बड़ा काम था. And very difficult also. और बहुत ही कठिन भी था. Same way in these last days God is going to give us wisdom and understanding. इसी प्रकार इन अंतिम समय में अगर हम प्रभु से मांगेंगे तो वो हमें ज्ञान और बुद्धि देंगे. बिकॉज वी आर गोइंग टू नीड इट. क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी. द विजडम दैट द लॉर्ड इज गोइंग टू गिव अस थ्रू अस मेनी पीपल विल बी सेट फ्री. जो बुद्धि प्रभु हमें देंगे उसके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे. मेनी पीपल विल बी प्रोटेक्टेड. बहुत सारे लोग सुरक्षित किए जाएंगे. लेट्स लुक एट बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4. आइए नीति वचन 4 अध्याय को देखें. Let's read from verse 3. आइए तीसरे वचन से पढ़ते हैं. When I was my father's son, tender and the only one in the sight of my mother. देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था. He also taught me and said to me, let your heart retain my words, keep my commands and live. और मेरे पिता ने मुझसे ये कहकर सिखाया, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे और मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा. गेट विजडम, गेट अंडरस्टैंडिंग, डू नॉट फॉरगेट नॉर टर्न अवे फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ माय माउथ. बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना. डू नॉट फॉरसेक हर एंड शी विल प्रिजर्व यू, लव हर एंड शी विल कीप यू. बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा
पहरा देगी. विस्डम इज द प्रिंसिपल थिंग, देयरफॉर गेट विस्डम एंड इन ऑल योर गेटिंग गेट अंडरस्टैंडिंग. बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर. जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्त का यत्न घटने न पाए. Exalt her and she will promote you. She will bring you honor when you embrace her. She will place on your head an ornament of grace and a crown of glory. She will deliver you. उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी. जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी. वह तेरे सिर पर शोभा में भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी. Here we see in these verses that wisdom is considered as she. यहाँ इन वचनों में हम देखते हैं कि बुद्धि को स्त्रीलिंग दिया गया है. It's pretty amazing that the Lord uses wisdom as a she. ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि प्रभु ने बुद्धि को स्त्रीलिंग दिया है. And it says you ask for understanding in book of James. Let's look at book of James. याकूब की किताब को देखते हैं. James 1:5. याकूब 1:5. Let's read. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives all liberally and without reproach, and it will give it to him. पर यदि तुम्हें से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलहाना दिए सबको उधारता से देता है और उसको दी जाएगी. Because a lot of times when the Lord gives us a word or there is situation going on, we need the wisdom of the Lord. क्योंकि कई बार जब प्रभु हमें एक शब्द देते हैं या कोई परिस्थिति होती है तो हमें प्रभु की बुद्धि की जरूरत होती है. Just like Peter, that as before he went to the centurion's house, the Lord had already given him a vision and he had spoken to him. बिल्कुल पत्रस की तरह, जब वो उस सेनापति के घर जाने से पहले ही प्रभु ने उसे बुद्धि के शब्द दिए और उनसे बात किए. He needed wisdom to be with these people and be in their home and eat what they eat when he was not used to it. इन लोगों के घर में जाकर उनके साथ रहकर उनके साथ भोजन करने के लिए उसे बुद्धि की जरूरत थी, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसे नहीं किया था. And because what the Lord had showed him before him with wisdom, he was able to explain. और जो भी प्रभु ने उसे पहले बताया था या दिखाया था, बुद्धि के कारण वो उसे समझा पाया. And later on in that scripture he also said, how can I come against the wisdom of God or what the Lord has said? बाद में उन वचनों में हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि मैं प्रभु ने मुझसे जो कहा उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ. इन दिस लास्ट डेज देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन आवर माइंड्स. इन अंतिम समय में हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होंगे. कंसर्निंग व्हाट इज गोइंग अराउंड अस इन द वर्ल्ड. इसके बारे में जो हमारे चारों ओर संसार में हो रहा है. एंड पीपल आर इन लॉट ऑफ फियर एंड डाउट. और लोग बहुत डर और संदेह में हैं. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट्स हैपनिंग इज दैट द पीपल आर लूजिंग material things. एक बात जो हो रहा है वो ये है कि संसार में लोग अपनी संपत्ति को खो रहे हैं. People are having difficulty at work. नौकरी में लोगों को परेशानी हो रही है. People are questioned about their morality. Their families are getting broken. लोगों के परिवार टूट रहे हैं और लोग एक दूसरे के संबंध के बारे में बहुत प्रश्न पूछते हैं. Because the wisdom of the world are saying that no, things should be this way. क्योंकि संसार का जो बुद्धि है वो कहता है कि नहीं, सब बातों को इस तरह से होना चाहिए. They are redefining what God has made. प्रभु ने जो बनाया है उसका वो दूसरा मतलब निकालते हैं. They are redefining what God has put together. प्रभु ने जो एक साथ रखा है उसका वो दूसरा मतलब लगा रहे हैं. Because they are taking the love and grace of God and they are twisting it. क्योंकि वो प्रभु के अनुग्रह और प्रभु के प्रेम को लेकर उसे उल्टा देते हैं. And there is so much knowledge of the world going around that our children are holding grab of. इस संसार में इतना सारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सबको जो भी उनके हाथ में आता है उसे ले लेते हैं. They are bombarded with all kinds of things. इतने सारे बातों को उनके ऊपर थोप दिया जाता है. Because they are told in schools and out there that what you have always learned, the principles that the parents have taught them, they are getting questioned. पाठशालाओं में और बाकी जगहों में उन्हें इतने सारे बातों को सिखाया जाता है कि जो भी उनके माता पिता सिद्धांते सीखते हैं उन सब पर वो प्रश्न पूछते हैं. Also what are taught in churches, that has been questions. और कलीसिया में भी जो सिखाया जाता है उस पर भी प्रश्न पूछा जाता है. In this hour, the parents are struggling with their children. इस घड़ी में माता पिता अपने बच्चों को लेकर परेशान हो रहे हैं. बिकॉज दे taught them समथिंग एट होम एंड देन दे कम होम फ्रॉम स्कूल एंड दे आर सेइंग नो आवर टीचर सेड दिस.
क्योंकि घर में वो उन्हें कुछ सिखाते हैं और स्कूल से जब बच्चे वापस आते हैं तो कहते हैं कि हमारे शिक्षकों ने ये कहा. सो देयर इज दिस वॉर गोइंग ऑन इन आवर चिल्ड्रंस माइंड्स. तो हमारे बच्चों के दिमाग में एक युद्ध जा रहा है. बिकॉज द वर्ल्ड इज कॉलिंग व्हाट इज राइट रॉन्ग एंड व्हाट इज रॉन्ग राइट. क्योंकि ये जो संसार है वो जो सही है उसे गलत कहता है और जो गलत है उसे सही कहता है. सो इन दिस आवर वी नीड लॉट ऑफ विजडम. इसलिए इस घड़ी में हमें बुद्धि की बहुत आवश्यकता है. नॉट वेरी लॉन्ग अगो आई गॉट अ ईमेल फ्रॉम वन ऑफ यू. हाल ही में मुझे आप में से एक का एक ईमेल आया था. इन दिस ईमेल यू वर आस्किंग बिकॉज योर चिल्ड्रन वर क्वेश्चनिंग हु दे आर. इस ईमेल में आपने मुझसे ये पूछा कि आपके बच्चे आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन है. दे आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट Who they are. क्योंकि वो इस बात को लेके उलझे हुए हैं कि वो कौन है. Because God made them that way, but now they are questioning that. क्योंकि प्रभु ने उन्हें इस प्रकार बनाया लेकिन अभी वो इसके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं. And you are having a difficult time talking to your child. और आपके बच्चों से बात करते हुए आपको बहुत ही कठिन समय बिताना हो रहा है. बिकॉज यू हैव चाइल्ड हैज चेंज इनटू समथिंग ऑल ऑफ अ सडन. क्योंकि अचानक से आपका बच्चा बिल्कुल बदल गया है. बट आई वांट टू एनकरेज यू ऑल द पेरेंट्स ऑल द मदर्स आउट देयर. मैं सारे माता पिता सारे माताओं को मैं उत्साह दिलाना चाहती हूँ. यू हैव स्पिरिचुअल अथॉरिटी ओवर योर होम्स. आपके घर के ऊपर आपके पास एक आत्मिक अधिकार है. इफ यू टेक अथॉरिटी ओवर दैट स्पिरिट. अगर आप उस आत्मा के ऊपर अधिकार ले लेते हैं. स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन एंड डाउट. उलझन और शक की आत्मा. एंड यू विल सी अमेजिंग थिंग्स हैपन. और आप देखेंगे कि आपके घर में दिलचस्प बातें होंगी. मेनी टाइम्स वी डू नॉट नो हु वी आर और वी आर नॉट स्ट्रांग इन द वर्ल्ड. कई बार हम नहीं जानते कि हम कौन हैं और हम वचन में सामर्थ्य नहीं होते. दैट्स व्हाई वी डू नॉट नो व्हाट वी आर डूइंग. इसीलिए हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं. मेनी टाइम्स वी डोंट इवन हैव टू ओपन आवर माउथ. कई बार हमें अपने मुंह को भी खोलने की जरूरत नहीं होती. वी वोंट हैव टू से और हैव एनी डिस्कशन और फाइट ओवर एनीथिंग. हमें कुछ बोलना नहीं होता या वाद विवाद कुछ भी नहीं करना होता. ऑल वी हैव टू डू इज स्टैंड अप एंड टेक योर अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस अगेंस्ट दोज स्पिरिट्स. हमें सिर्फ खड़ा होना है और यीशु मसीह के नाम से उन आत्माओं के विरुद्ध अपने अधिकार को ले लेना है. आई वांट टू शेयर अ टेस्टिमनी विद यू. मैं आपके साथ एक गवाही बोलना चाहती हूँ. वन डे दिस पास्टर्स वाइफ वाज शेयरिंग दिस विद मी. एक बार एक पादरी साहब की पत्नी ने ये मुझे बताया. शी वाज शेयरिंग दैट हर सन स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज. ये मुझे बता रही थी कि उनका बेटा कॉलेज जाने लगा है. And he came home totally changed. और जब वो घर वापस आया तो बिल्कुल बदला हुआ था. His demeanor changed. उसका चेहरा बदल गया. And he was questioning everything her parents have taught them. और उसके पिता और माता ने उसे जो भी सिखाया सबका वो प्रश्न पूछने लगा. And he started bringing lot of worldly things into the house. और घर के अंदर संसार के बहुत सारी बातों को लाने लगा. One day the mother went into the bedroom and he had put up these posters that were very ungodly. एक बार जब वो माँ उसके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि उसने अपने कमरे में ऐसे तस्वीरें लगा रखी थी जो प्रभु के ओर से नहीं होगा. एंड शी सेड शी कुड जस्ट फील द अनक्लीन स्पिरिट इन दैट रूम. और वो ये कहने लगी कि उस कमरे में वो उस अशुद्ध आत्मा को महसूस कर पा रही थी. एंड शी सेड शी वेंट बिफोर द लॉर्ड एंड द लॉर्ड गेव हर विजडम. और उन्होंने कहा कि वो प्रभु के सम्मुख गए और प्रभु ने उन्हें ज्ञान दिया. हाउ टू डील विद दिस. किस प्रकार इस उलझन से निकले. द लॉर्ड शोड हर दैट शी हैड अ स्पिरिचुअल अथॉरिटी इन हर हाउस. प्रभु ने उन्हें दिखाया कि उस घर के अंदर उनका एक आत्मिक अधिकार है. एंड हर सन लिव्स अंडर हर रूफ. क्योंकि उनका बेटा उनके छत के नीचे रहता है. सो व्हाटएवर द पेरेंट्स आर गोइंग टू अलाउ दैट्स व्हाट विल कम इन द हाउस. तो सिर्फ वही चीजें घर के अंदर आएगी जो माता पिता अनुमति देते हैं. एंड दोज स्पिरिट्स आर सब्जेक्ट टू द पेरेंट्स. और वो सारे आत्मा माता पिता के अधीन है. एंड दे कैन टेक अथॉरिटी. इसलिए वो उनके ऊपर अधिकार जमा सकते हैं. सो वी सी द विजडम हियर इज दैट She could have gone and yelled at her son and told her all these things and fought with him. यहाँ ज्ञान की बात ये है कि वो माँ अपने बेटे के साथ जाकर ये सारी बातें बोलकर उसके साथ लड़ सकती थी. But the Lord gave her wisdom, just go into his room and take authority over that spirit. लेकिन प्रभु ने उन्हें ये बुद्धि दी कि उसके कमरे में जाओ और इन सारे आत्माओं के ऊपर अपने अधिकार को ले ले. And you will see what I can do.
और तुम देख सकते हो जो मैं कर सकता हूँ. सो वन डे व्हेन हर सन वाज गॉन, तो एक बार जब उनका बेटा चला गया था, शी वेंट इनटू हिज रूम, वो उनके कमरे के अंदर चली गई, एंड शी टुक अथॉरिटी ओवर द स्पिरिट इन दैट रूम, और उस कमरे के अंदर जो आत्मा था उसके ऊपर अपना अधिकार लिया, एंड शी वॉक्ड अवे, और बाहर निकल के चली गई. एंड दैट इवनिंग व्हेन हर सन केम होम, और उस शाम को जब उनका बेटा वापस आया, ऑल द पोस्टर्स ऑल द पिक्चर्स वर ऑन द फ्लोर, वो सारे तस्वीर जमीन पे पड़े थे, एंड ही पिक्ड इट अप, उसने उन सबको ले लिया, and he never put the posters back on the wall again, aur usne un tasveeron ko deewar mein wapas nahi dala, he crumbled it up and put it in the garbage can, usne unhe sab nichod diya aur koode ke dabbe mein dal diya, and she hadn't said a word, unhone ek shabd bhi nahi bola tha, and from that day he was a different child, aur us din se wo bilkul hi alag bachcha tha. In a same way the bible says, isi prakar bible batati hai, that he has made a male and a female, unhone purush aur stri ko banaya, and they are your children, you gave them birth, aur wo aapke bacche hain, aapne unko janam diya hai. God gave those children to you as a gift, prabhu ne un bachcho ko aapko ek tohfe ke roop se diya hai, and as a mother and a father you know who they are, aur ek maa aur baap hone ke nate aap jante hain ki wo kaun hai. Don't let the things of the world influence them, is sansar ki cheezon ko apne bachcho ke upar kabu mein nahi aane do. They were wonderfully and beautifully made in your womb, आपके गर्भ में उन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही सामर्थ्य रूप से बनाया गया था. And God knew them before they were born, उनके पैदा होने से पहले ही प्रभु ने जानते थे. And he is a creator of all things, और वो ही प्रभु है जिन्होंने सबको सृजा. Enemy is the only one who comes to kill and destroy, दुश्मन जो है वो सिर्फ नाश करने के लिए और मारने के लिए आता है. एंड व्हाट गॉड हैज मेड द एनिमी ट्राइज टू कंफ्यूज इट, और जो भी प्रभु बनाते हैं उसे शैतान उलझाना चाहता है विद ऑल हिज टैक्टिक्स, अपने सारे कर्मों के कारण, एंड विजडम ऑफ द वर्ल्ड एंड द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, और इस संसार के बुद्धि और ज्ञान को इस्तेमाल करके. बिकॉज द बाइबल सेज दैट हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माय वर्ड विल नॉट, क्योंकि बाइबल बताती है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा. एंड बाइबल ऑल्सो सेज दैट ही इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर, बाइबल ये भी बताती है कि प्रभु आज कल और युगानुयुग तक एक सा है. एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट, हर चीज टल जाएगी, बट हिज वर्ड विल नेवर, लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा. द बाइबल सेज दैट ही अपहोल्ड्स हिज वर्ड अबव हिज नेम, बाइबल बताती है कि प्रभु अपने शब्द को अपने नाम से ऊंचा रखता है. सो आई वांट टू एनकरेज यू टुडे इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद योर फैमिली, तो आज अगर आप अपने परिवार के साथ उलझे हुए हैं या परेशानी में हैं, मैं आपको उत्साह दिलाना चाहती हूँ. नो योर अथॉरिटी हु यू आर, अपने अधिकार को जानिए और ये जानिए कि आप कौन हैं. एंड यू टेक अथॉरिटी ओवर दोज अनक्लीन स्पिरिट्स, और उन अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अपने अधिकार को ले लीजिए. स्पिरिट ऑफ लस्ट एंड प्रवर्जन, लोभ और अशुद्ध बातों की आत्मा, बिकॉज यू हैव अथॉरिटी, क्योंकि आपके ऊपर अधिकार है. दे आर योर चिल्ड्रन, वो आपके बच्चे हैं. एंड यू वॉन्ट इवन हैव टू से अ वर्ड, और आपको एक शब्द भी नहीं बोलना होगा. बाई नोविंग इन योर हार्ट हु यू आर, गो बिफोर द लॉर्ड, अपने हृदय में ये जानते हुए कि आप कौन हैं, आप प्रभु के सम्मुख जाइए. एंड यू विल सी व्हाट गॉड कैन डू, और आप देख सकते हैं कि प्रभु क्या कर सकते हैं. आमेन, आमेन. लेट्स प्रे, आइए प्रार्थना करें. बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी what God is going to do in your life, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि प्रभु आपके जीवन में क्या करने वाले. You will see a breakthrough, आप एक छुटकारे को देखेंगे. Sudden breakthrough from the Lord is going to come, प्रभु की ओर से अचानक छुटकारा आने वाला है. You have been waiting and believing for a long time, आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं. This is your hour, this is your time, ये आपकी घड़ी है, ये आपका समय है. The wisdom of the Lord, the knowledge of the Lord in you is greater than any knowledge in the world, प्रभु का जो ज्ञान और बुद्धि आपके अंदर है वो इस संसार के सभी ज्ञान से महान है. You are going to see that operate through your life in these last days, इन अंतिम दिनों में आप इसे आपके जीवन के द्वारा क्रिया में डालते हुए देखोगे. You are going to stand up and take authority, आप खड़े होने वाले हो और अधिकार को लेने वाले हो. And you will see the breakthrough, और आप छुटकारे को देखोगे. That's what the Lord is saying today to you, आज प्रभु यही आपको बता रहे हैं. Let's pray, प्रार्थना करते हैं. Father, I pray right now in the name of Jesus. Pita, Ishu Masih ke naam se main prarthna karti hu. Lord, you know the struggles that the families and the mothers and the fathers are having today. प्रभु उन उलझनों को आप जानते हो जो परिवार में माता पिता आज सामना कर रहे हैं. There is a great war going on.
एक बहुत ही बड़ा युद्ध हो रहा है अबव आवर फैमिलीज एंड आवर लाइव्स, हमारे परिवारों में और हमारे जीवनों के ऊपर. फादर एट दिस मोमेंट आई कम अगेंस्ट एनी डिस्करेजमेंट राइट नाउ, प्रभु इस क्षण में कोई भी निराशा अगर हो उसके विरुद्ध आती हूँ. डाउट एंड अनबिलीव, शक और संदेह. आई कम अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन एंड डाउट इन देयर होम्स, मैं इनके घरों में उलझन और संदेह की आत्मा के विरुद्ध आती हूँ. Lord, I pray that your wisdom and your knowledge and understanding will flow in their homes freely. प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी बुद्धि ज्ञान और समझ इनके घर में बहता जाए. As they receive from you right now, Father. जैसे अभी आपसे पाएंगे पिता. Because you said in your word that if we lack knowledge, ask and you will give liberally. क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है कि अगर हमें बुद्धि की कमी है तो हम आपसे मांगे और आप बहुतायत से देंगे. And Lord, I thank you for that grace upon their lives right now as it flows through. प्रभु जब ये उनके ऊपर बहता है मैं इस अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ. Lord, there are many of them that have been crying out to you. प्रभु ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी ओर देखकर रोते हैं. I can just see right now that they are crying for their children. मैं देख सकती हूँ कि वो अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं. As they are watching this program. जब वो इस कार्यक्रम को देखते हैं. But Lord, the breakthrough from you is coming right now in their lives. लेकिन इसी वक्त आपका छुटकारा उनके जीवन में आ रहा है. Encouragement in their hearts. उनके हृदय में उत्साह. And I thank you, Father. आपका धन्यवाद देती हूँ पिता. The Bible says the sorrow maybe for the night, but joy comes in the morning. बाइबल कहती है दुख रात को बीत जाएगी और आनंद सुबह आएगा. So receive the joy of the Lord right now. तो इसी वक्त प्रभु के आनंद को पा लीजिए. Because you are going to rise up and take your place. क्योंकि आप खड़े होकर आपके जगह को लेने वाले हैं. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से. We thank you, Father. हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता. We thank you for the flow of the Spirit of wisdom. बुद्धि के आत्मा जो बह रहा है इसलिए धन्यवाद. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता. God bless you and thank you for listening. प्रभु आप सबको आशीष दे और सुनने के लिए धन्यवाद. Please write to us with testimonies. अपने गवाहियों को कृपया कर हमें लिखिए. Because I know many things have happened today. क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज बहुत कुछ हुआ है. We would like to share your testimonies with others. हम दूसरों के साथ आपकी गवाही को बांटना चाहेंगे. So the same way that the Lord has set you free and they can receive and be set free. ताकि उसी रीति से जैसे प्रभु ने आपको छुड़ाया है वो भी इन बातों को सुनकर छुटकारा पा सके. And remember that you are called. और इस बात को याद रखना कि आप बुलाए गए हैं. God bless you and you have a wonderful day. प्रभु आपको आशीष दे और आपका दिन अच्छा हो. Thank you. धन्यवाद. If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए. एंजल टीवी, विल्लीवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत. हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org.